बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला खुशखुर्रम रखे। मैं उस्ताद गुलाम रसूल गुजारिश करीना और आज का मौजू है भाई बकरियां नू अफारा क्यों थींद है। बकरे होवें चाहे बकरियां होवें, इन्हां नू अफारा थींद है। और अफारा जेले थीना शुरू हो सी तो बार बार अफारा हो सी उस जानवर नू। ये अफारा क्यों थींद है, इसकी हिफाजती तदबीर और इसका इलाज असा तुहानू मुकम्मल इस मशवरा दीने। और वीडियो शुरू कराने तो पहले चैनल को सबसक्राइब किया करो और दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो और दुआ में याद भी किया करो। मैं गुजारिश करा भाई सब तो पहले अफारा थींदे जी दूसरा ये चीज़ा हैं। नंबर एक, अगर बकरियां दे पेट दे कीड़े होवें तो मतलब है अफारा वत भी बकरियां नूं थींदे। नंबर दो, मतलब है अगर सारियां बकरियां दे अंदर कोई रेत मिट्टी मतलब कै चारे दे नाल गई है तो वत भी अफारा होंदे। और इस तो इलावा अगर मैदा वैसे हीट कर मैंने जानवर का तो वत भी मतलब अफारा होंदे। तो मैं गुजारिश करा मैं अगर जिस टाइम बकरे जानवर नूं अफारा थींदे तो मालिक को ये चीज़ देखनी चाहिए है भाई क्या मैं डिवर्मिंग की हुई है बर वक्त अपने जानवर की। अगर डिवर्मिंग हुई हुई है तो उस तो बाद अपनी खुराक देखनी है भाई क्या मैं जी खुराक खवाईना इस खुराक दे विच कोई रेत तो विच नहीं आती और वो तो नहीं प्रॉब्लम, या खुराक कोई बिल्कुल गली तरक्की हुई खुराक तो मैं नहीं खवाईदा, ये चीज़ देखनी है। अगर ये चीज़ा उस दिठियन मैं मतलब मेरिया यकीन ये कोई नहीं तो वह तो उसके बाद उसको यकीन हो वैसी भाई मैदे का गैस है। अगर मैदे का गैस है तो उस मैदे का वो इलाज करना है। अगर तो दू चीज़ा पहलियां तो मतलब एक जानवर का जरा भोसा खाँदा पे उस रेत आँदी है या मतलब जानवर न कोई डिवर्मिंग नहीं थी हुई तो वो मतलब अगर नहीं थे तो फेल फोर करने और ये सारी केयर करनी है। अगर मैदा हीट कर गए तो मैदे के हीट का तुम्हें सही इलाज दसाइन है। सब तो पहले जी तो दवाई गिन सो देना है सल्फा सल्फा डायमोडस वो जी तो गिन गिन सो 100 ml हो सी वो तो चार डैड लगातार जानवर नू दे सो जनाब 50 ml और 100 ml दा हो सी चार खुराक करनी डेली दी एक खुराक देवनी है। इस दे इलावा जनाब तुस उस जानवर नू गर्मी तो बचावना है और इस दे इलावा सौंफ तुस मतलब एक खुराक बने सो आधा पाओ सौंफ आधा पाओ धनिया और आधा पाओ ही नाल तुसा पैसो जनाब हरीड और इस दे इलावा 50 ग्राम निशादर और आधा पाओ ही नाल जनाब हो वैसी पनीर। ये चीज़ा नू कुट के चार पांच चीज़ा इस दो उसको रात सुबह शाम मतलब खाना जेले खा गिनसी खुराक अपनी उसके बाद ये दू टाइम इसको एक चम्मच एक चम्मच तो दो चम्मच जानवर के मुताबक नाल वो दे सकते हो। ये दे सो इंशाल्लाह ताला जानवर का मैदा हवा गैस हर चीज़ ख़त्म हो वैसी और जानवर को तुसा बिल्कुल इन्हां चीज़ों पर खास कर ध्यान देना चाहिए ताकि जानवर साडा ते खुदा न खास्ता कल टाइम दे अफारा हो गया तो सारा जानवर खुदा न खास्ता ज़ाया हो वैसी। लेकिन फिल फौर इलाज उसका एक करने अफारा हो गया था पहला इलाज उसको तुसा जरा मोबलाइल यानी इंजन का वापसी निकला हुआ हों गासा उसको सद है वो जी अस 8 to 10 cc सरेंज पा के कहीं बोतल पा के अस उसको पिला रहे बने इंशाअल्लाह ताला सारा अफारा फिल फौर ख़त्म हो वैसी। लेकिन ये चीज़ ज़रूरी है ये जड़िया अस दवाई तो दसियां ने ये चीज़ा नुस्खे इन्होंने तुस यकीन अमल करे सो तो जानवर थोड़े आने वास्ते अफारा न करे सन। आज की वीडियो का वे इतना भी, अगली वीडियो तक इजाजत गिनसूँ इंशाअल्लाह ताला जिंदगी वफा की तो अच्छे मशवरे के नाल अगली वीडियो तो जरूर हाजिर थी सूत्र तक दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।